भोजपुरी फिल्मों के सिने स्टार रवि किशन का नालंदा में होने वाला कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। रवि किशन को वहां के जिला प्रशासन ने कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी। रवि किशन को मंगलवार बिहार शरीफ में कबड्डी प्रतियोगिता में शामिल होना था। दरअसल वो अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए बिहार के अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं। रवि किशन के नालंदा में प्रोग्राम रद्द किए जाने पर उन्होंने क्या कहा, पहले आप ये सुनिए। किलोमीटर हम बिहार शरीफ पहुंच गए तो पता चला कि डीएम साहब ने परमिशन कैंसिल कर दी। मेरे लिए क्वाइट शॉकिंग है, क्योंकि बलात्कार मुक्त भारत के अभियान पे मैं निकला था एक सिनेमा लेके अपना, और वो उसी के प्रचार में था, कबड्डी मैच था, जागरूकता थी लोगों में। तो अब हम जा रहे हैं, हम डीएम आवास पे उनसे बात की अभी, डीएम साहब से अब उनसे पूछने जा रहे हैं। लेकिन अभी सडनली वहाँ भीड़ जमा हो गई है और मैं आ रहा हूँ, सारे फैंस, और एक गलत संदेशा चला जाता है। तो मैं अभी वही डीएम साहब से की बात क्या हुई थी, परमिशन लेटर हम लोगों को मिल चुका था, अप्रूवल लेटर था, सब कुछ था, लास्ट मिनट कैंसिलेशन के बारे में मुझे अभी जानना है। एक्चुअली हुआ का तो मैं पर्सनली उनसे मिलने जा रहा हूँ। हालांकि रवि किशन के कार्यक्रम को अनुमति नहीं दिए जाने के पीछे जिला प्रशासन का अपना तर्क है। एसडीएम जनार्दन अग्रवाल ने बताया कि हमने पूर्व में ही कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी है, क्योंकि यह मैदान छोटा है और सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं है। पुलिस प्रशासन ने कार्यक्रम कराने की अनुशंसा कर दी थी, फिर भी कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। नालंदा जिला प्रशासन के मुताबिक रवि किशन को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होंगे, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। नालंदा जिला प्रशासन के इस रवैये से आयोजकों में जहां निराशा है, वहीं रवि किशन के प्रशंसकों में भारी नाराजगी भी है।